Hello everyone, I'm Dr. Shweta Amit Bhandari. I welcome you all to 11 Days Gratitude Challenge. आज हमारा day 4 है. I hope कि आप लोगों ने ये तीनों दिन को बहुत अच्छे से enjoy किया. First was our gratitude towards life. Second was gratitude to the ecosystem, sun, earth, right? Third was our gratitude to elements which gives you life, that is food and water. I hope कि आप लोगों ने बहुत enjoy किया है. मैंने भी बहुत enjoy किया है आप सब लोगों के photographs and posts को देख के. Now today is day 4, that is gratitude challenge 4, gratitude towards your health. So today is day 4, gratitude to health. Health, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, gratitude to health, अभी आपको समझ में आ रहा होगा. During this pandemic, आपको realize हुआ होगा, it is a kind of third world war we are facing. जैसे first world war में हमारे पास एक army थी जो borders पे हमारे को save कर रही थी, हमारे लिए fight कर रही थी. But right now, हमारे पास सिर्फ दो ही army है. One is our immunity and second is our mindset. अभी हमारी immunity depend करती है हमारे physical body के fitness पे, हमारे mindset पे, right? हमारा कितना optimistic nature है खुद की तरफ. So this two tools of ours is saving us, is helping us to fight this pandemic. So today is the day, क्योंकि इतना realization आज तक कभी health के बारे में नहीं हुआ जितना ये pandemic में आपको हुआ रहेगा. तो इसीलिए today is the day to feel gratitude towards your health. हेल्थ हेल्थ क्या है? जैसे WHO ने एक डेफिनेशन दी है, हेल्थ मतलब आप किसे फिजिकली आप फिट हो, दैट डजंट मीन कि यू आर हेल्थी. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज. यानी अगर आप बीमार नहीं हो, दैट इज नॉट इक्वल टू कि आप हेल्थी हो. यानी आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली सब डायरेक्शन में, सब वे से आप हेल्दी होने चाहिए. जो हम लोगों ने फर्स्ट टास्क में किया था, जो सारे लेयर्स, सेवन लेयर्स, अगर आपके सेवन लेयर्स कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, दैट मीन्स यू आर हेल्दी. हमारे फिजिकल बॉडी जो रोज हम लोग मिरर में देखते हैं, डू यू थिंक इट इज जस्ट दैट? क्योंकि बियॉन्ड योर बॉडी, आई वॉन्ट यू टू लुक टूडे बियॉन्ड योर बॉडी, बहुत सारे सिस्टम आपके लिए कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं टू कीप यू हेल्थी. आपके अंदर 11 डिफरेंट सिस्टम्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं. अभी आप सोचिए, हर एक सिस्टम का अपना अपना अलग अलग पार्ट्स भी है. फॉर एग्जाम्पल, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपको इस कोविड में काफी अच्छे से रियलाइज हुआ रहेगा, जो आपके दो लंग्स है, या आपका हार्ट अलग रोल प्ले कर रहा है. ये जो सारा सिस्टम है वो भी अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है. वो ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज से बने हुए, अलग अलग मसल्स से बने हुए. बियॉन्ड दैट, आप ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हो, और वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं सिंस योर बर्थ टिल टुडे टू कीप यू हेल्थी, टू हेल्प यू एंजॉय योर लाइफ. तो आप सोचिए, अगर कभी हम लोग, आप किचन में काम करते हो या आप ऑफिस में काम करते हो, एक या दो मेंबर्स से ऊपर अगर काम करना शुरू करते हैं, तो आप कितना नॉइस करते हो, आप कितनी आवाज करते हो, या आपको वो आवाज का मतलब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक जो साउंड सिस्टम क्रिएट होता है जो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, तभी वो कितना अलग है. और इमेजिन कीजिए, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके बॉडी में वर्क कर रहे हैं आपके लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, उनका शोर कितना ज्यादा होना चाहिए. तो वो शोर को आज हम लोग सुन के देखते हैं. आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर फेस लाइक दिस. जैसे हम भ्रमरी प्राणायाम में करते हैं, एक तो आप डायरेक्टली आपके कान बंद कर लीजिए, या तो फिर जैसे हम भ्रमरी प्राणायाम में करते हैं, पुट योर थंब इन योर ईयर, फिर आपके जो इंडेक्स फिंगर है उनको आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर को नोज के ऊपर, देन रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर, और लिटिल फिंगर को चिन के ऊपर. ऐसा पूरा सिस्टम को क्लोज करके एक मिनट सुन के देखिए कि आपके ये 11 सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं. आई वॉन्ट यू टू डू इट राइट नाउ. अगर आप करते हो तो आप देखिए कि आपको क्या सुनाई है. इफ यू हैव डिड इट राइट नाउ, आपको सुनाई आया होगा सिर्फ साइलेंस, ज्यादा से ज्यादा आपका हार्ट का पैल्पिटेशंस या आपका ब्रीदिंग का साउंड. बट अदरवाइज आपको ये रियलाइज भी नहीं हुआ रहेगा कि आपके इतने सारे सिस्टम कॉन्स्टेंटली आपके लिए वर्क कर रहे हैं इन डिफरेंट वे, बट एक दूसरे के साथ मिलके. आप सोचिए, आपको क्या लगता है, आपकी बॉडी सिर्फ ये सारे सिस्टम है या बियॉन्ड इसके भी बहुत कुछ है आपकी बॉडी के अंदर जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर रहा है? तो जब एक स्कैनिंग हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ऑरा स्कैनिंग, या अभी और भी मशीनरी बहुत सारी निकली है जिससे आप अगर आपकी बॉडी को स्कैन करते हो, तो बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी भी आपका एग्जिस्टेंस है. ऐसा बोलते हैं कि आपकी
बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर और बहुत सारे लेयर्स है आपकी बॉडी के, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी. तो बियॉन्ड योर बॉडी इज ऑल्सो योर एग्जिस्टेंस. जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, आप बीमार क्यों पड़ते हो, बहुत सारे पेशेंट्स आके हमको कभी कभी ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को ये पर्टिकुलर डिसीज ही क्यों हुआ, मेरे को टॉन्सिलाइटिस ही क्यों हुआ, या मेरे को कैंसर ही क्यों हुआ, अलग अलग वेज से. जैसे अगर मैं आपको पूछूँ कि आपको क्या लगता है कि टॉन्सिलाइटिस का रीजन क्या है, या डायबिटीज का रीजन क्या है, या विटामिन डेफिशिएंसी का रीजन क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल्स आपके थ्रोट में, राइट, आप कॉन्स्टेंटली ब्रीथ कर रहे हो एयर इन एंड आउट. वो एयर में बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे पोलन, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो एयर आपको इफेक्ट नहीं कर रही. टॉन्सिलाइटिस यानी क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उनमें पेन होता है, उसमें पस बन जाता है, तो दैट इज सीवियर टॉन्सिलाइटिस. बट आप सोचिए कि ये बैक्टीरिया आपके एयर के साथ कॉन्स्टेंटली अंदर जा रहे, कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहे, बट आपको कोई इन्फेक्शन रोज नहीं हो रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन क्यों एक दिन ही वो बैक्टीरिया ने आपके ऊपर इफेक्ट किया. सिमिलरली ट्यूबरक्यूलोसिस, एक रिसर्च में एक एयर का इंडिया का पिक्चर लिया था, तो उसमें इन्यूमरेबल ट्यूबरक्यूलस बैसिलस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है अभी भी आपके सराउंडिंग के एयर में, बट आपको ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हो रहा है. सिमिलरली किसी किसी के ट्रेंट में हाइपरटेंशन नहीं है, फिर भी उनको बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है. सिमिलरली डायबिटीज बहुत सारे लोगों के ट्रेंड्स में नहीं है, या पर्टिकुलर एज के बाद ही आपको क्यों डायबिटीज होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता है. कॉमन एग्जाम्पल है विटामिन डेफिशिएंसी का. आपके घर में सब लोग सेम खाना खा रहे हैं, फिर भी आप ही को क्यों वो पर्टिकुलर विटामिन डेफिशिएंसी, या आज तक ये खाने से आपकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही थी, आज पर्टिकुलर टाइम से के बाद ही क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही. तो दैट मीन्स कि बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी, बियॉन्ड ये सारा फिजिकल सिस्टम माइक्रोब्स और बैक्टीरिया का, बियॉन्ड इसके कुछ आपकी इंटरनली कुछ तो डिस्टर्ब हुआ है कि उसने स्कोप दिया है ये बैक्टीरियाज और वायरसेस को आपके ऊपर वर्क करने को, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी. आपकी इम्यून सिस्टम जिस तरीके से वर्क करी, उसके भी बियॉन्ड कुछ तो डिस्टर्बेंस आया है आपकी इंटरनली, कि जब आपको ये सारी चीजें इफेक्ट करने लगी जो आज तक आप नॉर्मल थे. तो व्हाट इज दैट इंटरनल फैक्टर. जैसे एक क्रॉप ग्रो होने के लिए कुछ चीजें लगती हैं, हम लोग जो बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर यानी क्या, कि वो सीड अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छे से पानी मिलना चाहिए, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि जिसमें वो अच्छे से फ्लरिश हो सके, ग्रो हो सके. सिमिलरली उसको एक मेन इंटरनल फैक्टर क्या लगता है क्रॉप को, कि उसका सॉइल कैसा है. आप समझिए, अगर आप ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत अच्छे भी दे, बट अगर इंटरनल फैक्टर ही अच्छा नहीं, उसका सॉइल ही अच्छा नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं सॉइल ही फर्टाइल नहीं है, तो आप सोचिए कि वो क्रॉप ग्रो होगा क्या, नहीं होगा. सिमिलरली ये बैक्टीरियाज, ये वायरसेस कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट, पानी में है, आपके एयर में है, आप जो खाना खा रहे हो उसमें है, बट वो आपको आज अफेक्ट नहीं कर रहे, फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या इंटरनल आपका फैक्टर जो ऐसा है जो उसको फर्टाइल हो जाता है, जो उसको हेल्प करता है आपकी बॉडी को इफेक्ट डालने में. सो व्हाट इज योर इंटरनल फैक्टर. अगर ये जब हम लोगों ने स्कैनिंग किया, अभी बहुत सारी मशीनरी भी साइंस ने डेवलप किया जिससे वो आपकी बॉडी को स्कैन करते हैं, तो देखा गया है कि आपकी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी बहुत सारी आपकी बॉडीज है. जैसे नोटिस किया गया है कि यू हैव 7 bodies मोर. 7 bodies में से 1 इज योर एनर्जी बॉडी. अभी व्हाट इज योर एनर्जी बॉडी, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप, जैसे ये आपकी 7 layers है, ये एनर्जी बॉडी को आप एक्सपीरियंस कीजिए थ्रू 1 video विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ. This is the video from movie Spiritual Reality. Oxford University ने एक रिसर्च की थी लोगों के अलग अलग मेडिटेशन के ड्यूरिंग के एक्सपीरियंस को कंपाइल करके ये मूवी को बनाया है आपके लिए. इस मूवी में उन्होंने व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन में जो एनर्जी मिलती है वो एग्जैक्टली किस तरीके से अपने को इफेक्ट करती है, एंड अदर चीजें मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने कंपाइल किया. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी. आपको कभी भी टाइम मिले तो ये मूवी को पूरी जरूर देखना. नाउ आई एम शोइंग अ पार्ट ऑफ इट जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी इज समथिंग कॉल्ड योर एनर्जी बॉडी. नाउ व्हाट इज एनर्जी बॉडी, हाउ इट फंक्शंस, ये आप ये वीडियो में देखिए. ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है. हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी.
विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो योर एग्जिस्टेंस, एक सात लेयर की परत है आपके आजू बाजू, एक साथ आपकी लेयर्स बॉडी की और भी है बियॉन्ड योर फिजिकल बॉडी। जैसे इन्होंने आपको बताया अबाउट एथेरिक बॉडी, अबाउट योर एनर्जी बॉडी,
अभी जैसे ये सात लेयर्स है आपकी बॉडी की, जैसे हम लोगों ने अभी देखा आप लोगों ने कि एनर्जी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है जिसके थ्रू एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होती है। उन्होंने जैसे आपको बताया 72,000 चैनल्स है जिससे एनर्जी बॉडी में फ्लो होती है। नाउ इसमें से 72 चैनल्स में से तीन मेन चैनल्स है। जैसे आप देखोगे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी ये सेवन बॉडीज कोई ना कोई वे से आपके अलग अलग सेंटर्स ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रास से कनेक्टेड है। अभी आप चक्र को समझने के लिए आप ये समझिए पहले कि आपकी जो एथेरिक बॉडी जो अभी आपने ये वीडियो में देखी जिसमें अलग अलग वेन्स और वेसल्स है जिससे कि आपकी एनर्जी फ्लो होती है, जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में वेसल्स है जिससे ब्लड फ्लो होता है पूरी बॉडी में, सिमिलरली इनटू दिस बॉडी एथेरिक बॉडी चैनल्स है जिससे एनर्जी फ्लो होती है। उसमें से मेन थ्री चैनल्स है ईडा पिंगड़ा एंड सुषुम्ना। जैसे ये तीनों जहां पे भी मीट करती है या दोनों तीनों सिंगल छोटी ये जहां पे भी मीट करती है एक वॉल जैसा फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा होगा दो नदियां जब मिलती है तभी ऐसा कुछ वॉल फॉर्म होता है। वॉल क्या करता है चीजों को पुल करता है अंदर। वैसे ही सिमिलरली आपकी बॉडी में बहुत सारे चक्रस है जहां पे चक्र यानी क्या जहां पे ये सारी नाड़ियां मिलती है एक दूसरे को, सिमिलरली इनमें से ये जो तीनों जहां पे भी मिलती है वो बड़े चक्र फॉर्म करती है जो कि मेन सेवन चक्रास है आपके बॉडी के जो सेवन अलग अलग पोजीशंस पे रखे गए हैं। बट ये सारे सेवन चक्रास आपकी बैक में हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे मूलाधार चक्र इज एट द बेस ऑफ योर स्पाइन, आपकी स्पाइन के सबसे बेस में है। देन स्वादिष्टान जो आपके नेवल से थोड़ा नीचे की साइड है, अगर आप नेवल से थोड़ा ऊपर देखते हो दैट इज योर मणिपुर चक्र। देन इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट इज हार्ट चक्र, फिर विशुद्धि चक्र इन योर थ्रोट, फिर आज्ञा चक्र इज बिटवीन योर आईब्रोज एंड सहस्रान इज अबव सम 1.5 feet या 2 feet अबव योर हेड। अभी आप सोचिए दिस सेवन चक्रास आर रेसाइड जहां जहां पे भी ये प्लेस्ड है ये वहां वहां के सिस्टम को कंट्रोल करते हेल्प करते। जैसे आपने देखा कि अगर वो नाड़ियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं तो आपको बीमारी के फॉर्म में वो बाहर आते हैं। तो दिस चक्रास जो एनर्जी को वहां पे मेंटेन करते हैं, दिस चक्रास आर इम्पॉर्टेंट कि वहां की एनर्जी को वो हेल्प कर सके हीलिंग के लिए। नाउ मूलाधार चक्र, सब चक्र के अपने अपने कलर्स है, जैसे मूलाधार का रेड कलर है, उनका एक साउंड है, उनकी डिसबैलेंस से आपको अलग अलग चीजें फील होगी। जैसे मूलाधार चक्र के डिसबैलेंस से आपका पूरा लोअर बॉडी सिस्टम, जैसे आपके बॉडी के जो लोकोमोटर सिस्टम जो हम लोग बोलते हैं जिससे मूवमेंट होता है, मसल सिस्टम आपके बॉडी का, वो कहीं ना कहीं इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको कभी अगर इसका डिसबैलेंस हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है या अंडर वेट भी हो सकता है। सो दिस कंप्लीट थिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस चक्र। वैसे ही स्वादिष्टान के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है क्योंकि उससे कनेक्टेड होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी इस चक्र से मिलती है। देन सोलर प्लेक्सिस जो नेवल के ऊपर है यानी ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसमें कहीं डिसबैलेंस होगा तो अपने आप से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसबैलेंस फील होगा। देन अनाहत चक्र इज ओवर योर हार्ट, तो आप जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट इज सेंटर ऑफ लव, तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा तो आपको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, जेलेसी ऐसी सारी चीजें फील होगी। सोलर प्लेक्सिस में विशुद्धि चक्र यानी आपके थ्रोट चक्र, थ्रोट से आप कम्युनिकेट करते हो, राइट। तो थ्रोट चक्र कंट्रोल करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से रहनी चाहिए। उसके अलावा आज्ञा चक्र जो आपके आईज के बिटवीन है, ये सेंटर है इंटेलिजेंस का, विजन का, इंट्यूशन का, तो इसके डिसबैलेंस से आपको फियर फील हो सकता है, आपको आई प्रॉब्लम भी आ सकती है। सिमिलरली इज योर सहस्रान चक्र, इट इज मास्टर ऑफ ऑल चक्र, जहां से एनर्जी पूरी फ्लो होती है। आप इमेजिन कीजिए उसकी इम्बैलेंस की वजह से काफी सारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, वही उसके बैलेंस की वजह से ओपन माइंडनेस, पीसफुलनेस, स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम आपको मिलता है। सो दिस आर सम वे रिलेटेड टू योर ऑर्गन्स, योर सिस्टम, कीपिंग देम हेल्दी, राइट। तो जैसे आपने देखा एथेरिक बॉडी इज कंप्लीट पैकेज ऑफ एनर्जी बॉडी, वो जहां जहां पे सारी मीट करते हैं उनके चैनल्स, वहां वहां पे चक्र फॉर्म होते हैं, मेजर चक्रास आपकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके ब्लॉकेजेस आपको बीमारी लाते हैं और उनके ब्लॉकेजेस दूर करने से आपकी बीमारियां भी ठीक होती है। नाउ आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस राइट नाउ कि वॉट इज योर एनर्जी बॉडी और वो किस तरीके से वो ब्लॉकेजेस फॉर्म हो गए या क्यों आप बीमार पड़ते हो। तो उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि वॉट इज एनर्जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वॉट इज एनर्जी को फील कर रखा हो क्योंकि आप ही खुद पूरे एनर्जी के बने हुए हो।
आई वॉन्ट यू टू सी योर हैंड, लुक एट योर हैंड. अगर आप इसको मैग्निफाई करते जाओगे, आप पास से देखोगे, आपको ऐसे कुछ लाइन्स दिखाई देंगे. अगर आप इसको और पास से देखोगे, आपको कुछ इस तरीके का स्किन सर्फेस दिखाई देगा. अगर आप इसको और पास से देखोगे या मैग्निफाइंग ग्लास के अंदर देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा सेल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो हमने हमारे साइंस के बुक्स में पढ़ा है, राइट. हमारा सेल या हम लोग पूरे एक सिंगल सेल से बने हैं. उसका मेन पार्ट रहता है ये न्यूक्लियस, जिसमें की रहता है डीएनए स्ट्रैंड जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है, राइट. ये बनता है अणु रेणु यानी एटम से. अगर आप 1,000,000 टाइम मैग्निफाई करोगे तो आपको एक फील्ड ऑफ एटम दिखेगा. अगर आप 8,000,000 टाइम मैग्निफाई करोगे तो आपको एक सिंगल एटम दिखेगा. अगर आप इसके बाद 80,000,000 टाइम भी मैग्निफाई करते गए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक ब्लैक सरफेस दिखेगी. अभी ये सारा सेल सिस्टम नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये सारा सेल सिस्टम एक रोबोट के अंदर डाला, बट वो रोबोट जिंदा नहीं हुआ. तो उन्होंने इस पर से एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि प्रोबेबली दिस ब्लैक सर्फेस जो आज हमको दिखाई नहीं दे रही है ड्यू मतलब हमारी मशीन से भी हमको ये नजर नहीं आ रही वॉट इज दिस ब्लैक सर्फेस, बट दिस इज समवे रिस्पॉन्सिबल टू गिव लाइफ टू अस. जब ये ब्लैक सरफेस जैसे आपको साउंड दिखाई नहीं देता है बट आपको सुनाई देता है, वैसे ही ये ब्लैक सरफेस को मेजर करने के लिए कुछ अलग अलग सिस्टम्स यूज हुए. तभी उस सिस्टम से ये पता चला कि दिस ब्लैक सरफेस इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशन. आप किस तरीके सोचते हो, आप किस तरीके की इमोशंस पे रिसाइड करते हो, आप किस तरीके की इमोशंस अपने बॉडी में होल्ड करते हो, तो ये सारा सिस्टम इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ योर कोर. आपके जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें ये जब मशीन से रिकॉर्ड निकला तो ये कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड निकला. आपने अगर कभी ईसीजी किया होगा तो आप देखते हो उसमें कुछ ऐसी लाइन्स आती है ऊपर नीचे कांस्टेंट. तो वैसे ही ये सिस्टम से कुछ इस तरीके का ग्राफ बाहर आया कि पर्सन को किस तरीके के थॉट्स है, कितनी एंजाइटी है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना एंगर है, कितना अप्रिसिएशन है, कितना ग्रैटिट्यूड है, ठीक है. तो उसमें से कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड बाहर निकला. तो दैट डिफाइंस कि आपके हेयर से लेके नेल्स तक एक एनर्जी फ्लो होती है एट द कोर ऑफ योर एवरी सेल, और दैट इज द एनर्जी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस. ये सिस्टम किस पे काम करता है, जैसे अगर आप कभी मंदिर गए हो और आपने बेल रिंग की है, अगर आप उसके नीचे खड़े हो तो आपको कॉन्स्टेंट थोड़ी देर के लिए उसकी वाइब्रेशन फील होगी. या आपने कभी एक पत्थर अगर पानी में डाला हो तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे वॉल्स उसके आजू बाजू फॉर्म होते हैं, राइट. तो ये सिमिलर इस पे ये मशीन वर्क करती है. ये जब मशीन में से ये रिकॉर्ड बाहर निकला तभी समझ में आया कि दैट ब्लैक सरफेस वॉज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस. अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ तो इंटरनल था जो डिस्टर्ब हुआ था, जो ये बीमारियों का रीजन था या जो हर बीमारी का मोस्टली रीजन होता है, दैट इज दैट इंटरनल थिंग इज नथिंग बट the energy of your thoughts and emotions. अभी person बीमार क्यों पड़ता है, what was that red patches जो नहीं हमने spiritual reality movie में देखा, that was nothing but the trapped emotions of yours. अभी एक research में psychologist ने find किया है कि एक person को दिन भर में 70,000 से भी ज्यादा thoughts आते. आप सोचिए आपको कल के भी 70,000 thoughts आपके खुद के याद नहीं है, but अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ के दो कोई भी हैप्पीएस्ट इवेंट या दो कोई भी सैड इवेंट्स बताइए, तुरंत आप उनको मुझे बता सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने सेव किए, कहीं ना कहीं वो आपको याद है, कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में एक इमोशनल मेमोरी के फॉर्म में सेव्ड है, तो क्योंकि वो स्ट्रांग थे, राइट. तो वैसे ही आपकी बॉडी में हर कोई इमोशन ट्रैप नहीं होता है, बस वही इमोशन ट्रैप होता है जो आपके लिए स्ट्रांग रहता है. तो इफ द इमोशन इज स्ट्रांग इनफ इट मे बिकम ट्रैप्ड. जैसे अभी वो ट्रैक कहाँ पे होता है, जैसे आपकी दो माइंड है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियसली आप ये स्क्रीन को देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, फिर आप ये जैसे कॉन्शियसली आप अलग अलग चीजें कर रहे हो, आप कोई लोग नोट्स बनाते हैं, कोई लोग टास्क कर रहे हैं, राइट. तो कॉन्शियसली आप बहुत सारी चीजें करते हो, बट सबकॉन्शियसली आप अभी ब्रीथ कर रहे हो, आपका GIT सिस्टम काम कर रहा है, आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, आपकी किडनी सिस्टम काम कर रही है, यूरिन बना रही है, या अलग अलग आपके आई सिस्टम काम कर रही है ताकि आप ये देख सको. तो वैसे ही आपका सिस्टम कॉन्स्टेंटली काम करते हैं. अगर आप बोलोगे आप सोते हो तभी भी आपका सिस्टम काम कर रहा है, तो कॉन्शियसली तो आप सोए हो, बट सबकॉन्शियसली आपका सारा बॉडी अपना अपना काम कॉन्स्टेंटली कर रहा है. तो यही पे स्टोर्ड होते हैं आपके सारे थॉट्स एंड इमोशन. जैसे आपका मोबाइल फोन है, अगर मैं आपको कोई इमेज मांगू तो तुरंत आप गैलरी में जाके उसको दिखा सकते हो, अगर वो वहां पे नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते हो. सिमिलरली अगर आपको आपकी लाइफ का कोई भी थॉट पैटर्न याद करके आप बता सको, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, इसीलिए आप बता सकते हो. तो वेयर इट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अभी ट्रैप्ड इमोशन, यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है शोल्डर जॉइंट का. उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि इमेजिन कीजिए कि वो एनर्जी जाके आपके शोल्डर में ट्रैप हो गई है,
वो एनर्जी इज नथिंग, ये थॉट्स एंड इमोशंस आर नथिंग बट यहाँ पे क्या ट्रैप हुई है, आपकी एनर्जी ट्रैप हुई है. अभी ये कोई कोई पेशेंट आके बोलते हैं कि यही पर्टिकुलर बीमारी क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुआ, तो आप समझिए ये बात को कि आपकी इमोशंस वही जाके ट्रैप होंगे जहाँ पे वो सिंबलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बॉडी की प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस है. प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस यानी क्या, आयुर्वेदा में जैसे बोलते हैं ना कफ पित्त और वात, पर्सन का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वीकनेस होता है. तो अगर जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल कोई लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्गन की ही बीमारी होती है, उनको वॉमिटिंग होगी या उनको हेडेक होगा, तो वो क्यों, क्योंकि वो उनकी प्री एग्जिस्टिंग वीकनेस है. उसके अलावा सिम्बॉलिक रिलेशनशिप यानी क्या कि इसके ऊपर पूरी एक बुक बनी है, जैसे यू कैन हील योर लाइफ ये बुक का नाम है, ऑथर इज लुईस हे. अगर आप ये बुक के पेजेस को देखोगे तो इसमें कुछ इस तरीके के आपको दिखाना. सिंबॉलिक यानी क्या कि आपकी एनर्जी जाके यही पर्टिकुलर एरिया में क्यों सेव होती है, क्योंकि आप वो टाइप का इमोशन फील करते हो ना. व्हाट इज दैट टाइप ऑफ इमोशन, इमेजिन कीजिए आपकी जो बैक है वो क्या करती है, आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई इमोशन फेस करते हो, आपको बुरा लगता है कि आपकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट डिस्टर्ब है, आपको गिल्ट फील हो रहा है कोई चीज का, या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट लैकिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लैकिंग का जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं जाके आपके बैक में ट्रैप होगा, क्योंकि आपकी बैक सिंबल है आपकी सपोर्ट. तो वो आप जिस तरीके का इमोशन फील करते हो उस तरीके की इलनेसेस आप प्रोन करते हो, ऐसा ये बुक ने कॉन्स्टेंटली प्रूव किया है. अभी इस बुक की ऑथर है लुईस हे. अगर आप इस इनकी मूवी देखोगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन हील योर लाइफ, अगर आप इनकी मूवी देखोगे, इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है कि जब ये 18 मंथ्स की थी तभी इसके माँ बाप सेपरेट हुए थे. इसको एट द एज ऑफ 19 वजाइनल कैंसर डायग्नोस हुआ था. तभी इसको समझ ही नहीं आया कि मुझे इतने अर्ली एज में ये कैंसर क्यों हुआ है. तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को मिली, उन्होंने पूछा बट उनको कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला. तो तभी वो चर्च में जब प्रेयर्स करने के लिए गई तो वहां पे प्रीस्ट ने बोला कि जो भी इमोशन आप फील करते हो वो कोई ना कोई फॉर्म में आपके फिजिकल बॉडी पे इलनेस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है. तो इसने सोचा कि आप जैसे इन्होंने वो प्रीस्ट से बात करी और इनको पूछा कि आप मुझे बताइए कि कौन सा मेरा इमोशन है जिसकी वजह से मुझे ये कैंसर हुआ है. आप इमेजिन कीजिए एक ट्री है, राइट, अगर आप उसके रूट्स को ये हटा दो तो ट्री गिर जाएगा. अगर आपकी इमोशन ही बीमारी का कारण है, अगर आप उनको हटा दो तो बीमारी कहीं ना कहीं ठीक होने में मदद होगी, राइट. तो वैसे ही इसने फिर प्रीस्ट ने इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पूछी. जैसे इसने बताया कि इसके माँ बाप सेपरेट हो गए थे एट द एज ऑफ 18 मंथ्स की एज में इसके माँ बाप सेपरेट हो गए. फिर माँ ने दूसरी शादी की तो वो जो दूसरा उसका स्टेप फादर था पहले उसको एक एज तक बहुत मार रहा था. एट द एज ऑफ 14-15 इसके ऊपर उसने फिजिकली असॉल्ट करना शुरू किया, उसके फादर ने रेप करना शुरू किया, जो इसके लिए एकदम असहनीय था. इसीलिए ये अपना घर छोड़ के बाहर निकल गई. तभी वो दिखती बहुत अच्छी थी बट उसको एजुकेशन कुछ नहीं था, इसीलिए उसने फैशन वर्ल्ड चूज किया जहाँ पे हर कोई उसको कोई ना कोई ऐसा मिलता गया जो उसको यूज करता था, राइट. तो उसको उससे रिलेटेड एंगर इमोशन सारे टर्बुलेंस स्टार्ट हो गए. एक पर्टिकुलर पार्टनर मिला एट एज ऑफ 19 जिससे उसने शादी करने को डिसाइड किया. बट शादी करने के लिए वहां पे रूल है कि आपको हेल्थ चेकअप एक रिपोर्ट लाना पड़ता है जिसी में इसको कैंसर डायग्नोस हुआ था. तो जब ये कैंसर डायग्नोस हुआ तो प्रीस्ट ने उसको बोला कि थ्रू आउट योर लाइफ दो चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कि तुमको तुम्हारे फादर के लिए बहुत ज्यादा एंगर और हेट्रेट है कि ये मेरा फादर होते हुए भी इसने मेरे साथ ऐसा किया. एंड सेकेंड कि सारे मेल या मर्द ही ऐसे होते हैं जो लोग लेडीज को यूज करते हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम मन में बन गई थी. तो जैसे ये दो थॉट्स की वजह से ही कैंसर हुआ होगा ऐसा प्रीस्ट ने उनको बताया. तो उन्होंने क्या किया, जैसे डॉक्टर्स ने उनको 4 मंथ्स का स्पैन दिया था टू हील या तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेटास्टेटिक कैंसर था जो स्प्रेड होता था अलग अलग ऑर्गन्स पे. तो जैसे कि उन्होंने 4 मंथ्स के टाइम में एक तो ये उनको यूज करके जो भी थॉट्स प्रोसेस का सिस्टम है वो सारा यूज करके उनको ये हीलिंग पे लाना था खुद को. जस्ट अ सेकेंड. Within the span of four months, उनका कैंसर जो था जो डिटेक्ट हुआ था वो 40% तक कम हुआ just because reciting the opposite emotions.
कि मैं उनको माफ करती हूँ, जो हो गया वो हो गया, जो इमोशन उनको रीजन था टू फॉर्म दैट डिसीज, उसी का एग्जैक्टली अपोजिट इमोशन रिसाइड करके उन्होंने खुद की हीलिंग की। अब विद इन द 4 months उनका कैंसर 40% तक कम हुआ। अभी कैंसर जैसी बीमारी एक तो वही रहती है या आगे बढ़ती है, वही जैसे नहीं हम लोग बोलते कम नहीं होती। तो उन्होंने बाद में कीमोथेरेपी भी ली, बाद में खुद को ठीक भी किया, बट आप समझिए वो 2019 में गुजरी है, 98 ईयर्स की होगी। तब तक जो ट्रीटमेंट उनके लिए डिसाइडेड थी कि पूरा यूट्रस निकाल देना है, पूरा फीमेल सिस्टम निकाल देना है, अनलाइक दैट ट्रीटमेंट उन्होंने खुद को ये सारी चीजों से हील किया। उन्होंने वो सारे जो यूट्रस निकालने वो सारे प्रोसीजर्स से वो नहीं गई, वो बच गई उससे, और उसको बाद में 2 बच्चे भी हुए। उन्होंने हैप्पीली अपनी लाइफ 21 सालों तक जी। आप सोचिए जस्ट बाय चेंजिंग द थॉट्स। जैसे आप उनकी बुक में देखोगे ऐसा, तो जैसे हम लोग बोलते हैं जो इमोशंस आप फील करते हो वही पर्टिकुलर पार्ट पे जाके आपको बीमारी होती है, जो बोलते हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप। तो वो आपको वहां पे एनर्जी जाके आपको किस वे में अफेक्ट करेगी, तो आपको 2 वे में अफेक्ट करेगी। पहली बात, आप खाना क्यों खाते हो, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए वो पर्टिकुलर सिस्टम का काम करने के लिए। जैसे ये शोल्डर उठाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, बराबर हाथ उठाने के लिए। तो जो भी आप खाना खाते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको हेल्प करता है आपके बॉडी सिस्टम को वर्क करने को। बट वही अगर जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं कि आपकी इमोशंस भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है, तो वो अगर वहां पर ट्रैप होते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां के सिस्टम को पूरा बिगाड़ देते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको क्या फील होगा, जब ये सिस्टम बिगड़ जाएगा यानी माल फंक्शन, वहां का फंक्शन बिगड़ जाएगा, तो आपको पेन फील होगा, आपको बाद में स्वेलिंग होगी, अलग अलग सिम्टम्स आपको शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हम लोग जैसे कोई पर्सन बीमारी में अगर आपने देखा होगा, तो वो एक पर्सन नहीं बीमार होता है, ओवरऑल वो पर्सन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक सिस्टम नहीं बीमार होता है, ओवरऑल वो पर्सन ही बीमार होता है। जैसे हेडेक होता है तो पर्सन ना चिड़चिड़ा हो जाता है, या आपको उसमें दिखता है डिस्कम्फर्ट उनके पूरे बॉडी में, ना कि पर्टिकुलर एक सिस्टम में। सिमिलरली इनविजिबली, जैसे आपने कोविड में अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग डर में थे, राइट? तो इनविजिबली भी ये सारी बीमारियां अफेक्ट करती है। कभी कभी कोई किसी पर्सन को बीमारी में डिप्रेशन हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, डर लगता है, तो ये भी सारा इनविजिबली ये एनर्जी हम लोग को अफेक्ट करती है। अभी ये सारा जो मैंने अभी तक आपको बोला दैट वॉज अ थियोरी, बट जैसे आप ही आपके सामने देखोगे एक हार्ट है, हार्ट का काम क्या है कि वो पंप करके आपकी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है, सप्लाई करता है आपकी बॉडी में ब्लड को। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में बहुत बार ऐसा देखा गया है 80-90% ऑफ केसेस में जो डोनर की एफिनिटीज है वो रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो गई। एफिनिटीज यानी क्या, उसकी लाइकिंग डिसलाइक, उसको क्या चीजें खाने में पसंद थी, कौन से पर्सन के लिए एफिनिटीज थी, डिजायर्स, एवर्जन, ये सारा जो सिस्टम है, थिंकिंग वे, थिंकिंग प्रोसेस, एनालाइजिंग, रिएक्ट करने का तरीका, ये सारा जो डोनर का था वो बहुत सारी चीजें इनहेरिट हो गई यानी ट्रांसफर हो गई रेसिपिएंट में, जिसको हार्ट दिया था उसमें। अभी आप सोचिए सिर्फ एक ऑर्गन ही तो निकाल के ट्रांसप्लांट किया है, तो ये सारी चीजें क्यों ट्रांसफर होनी चाहिए। दैट डिफाइंस, That proves कि आपके हेयर से लेके नेल्स तक एक एनर्जी कॉन्स्टेंटली आपने फ्लो हो रही है आपके हर एक सेल में, कि वो एनर्जी है आपके थॉट्स एंड इमोशंस की, और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपको ठीक करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए। सो योर थॉट्स एंड इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्थी। जैसे अभी हम लोग ना सोशल मीडिया में ये बहुत सारी चीजें अभी लोग एक्सेप्ट करने लगे, जैसे मैं होम्योपैथ हूँ, हमारे होम्योपैथिक साइंस में सिंस 150 years ये सारी चीजें बोलते हैं। अगर आप कभी होम्योपैथ के पास गए भी होगे तो वो आपकी एक लॉन्ग हिस्ट्री लेता है, वो आस्क यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इमोशंस यू आर फीलिंग। वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो ये दोनों चीजों का कनेक्शन समझते हैं, वो ये दोनों चीजों पे आपको मेडिसिन देते हैं ताकि आप कंप्लीटली हील हो सको। अगर आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप पूछोगे ना कि मुझे ये हाइपरटेंशन क्यों है, मुझे ये डायबिटीज क्यों है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, एट द एंड सब चीजों के बाद वो आपको एंड में बोलेंगे कि दिस इज बिकॉज यू हैव स्ट्रेस। बट इस काइंड का स्ट्रेस, इज इट ड्यू टू योर एंगर, फियर? हर पर्सन का फियर भी बहुत वेरिड होता है, किसी को एनिमल्स का फियर है, किसी को फ्यूचर का फियर है, राइट? तो फियर की भी अपनी डिग्री, अपनी अलग चीजें रहती है, सिमिलर ऑफ एंगर, सिमिलर ऑफ स्ट्रेस। तो आप समझे सिर्फ वीकनेस ऑफ लिवर एंगर की वजह से नहीं होगा, बट वो एंगर किस तरीके का है। कोई लोग एंगर अपना बोल के दिखाते हैं, कोई बोल के नहीं दिखाते, कोई लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कोई लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, कोई चीजें को तोड़ फोड़ करते हैं, कोई एंगर को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करके या मेडिटेशन करके या खुद को कंसोल करके भी शांत कर लेते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो एंगर की भी वेरिड वराइटी है। तो
जस्ट स्ट्रेस इज नॉट इनफ, उससे भी डीपर जाके ढूंढिए कि आपका इमोशन क्या है जो आपको अफेक्ट करता है, और उसको हील करोगे तो आपको रूट कॉज से हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज द मेन थिंग. फिजिकल बॉडी इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में आपकी मेंटल बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रखने के लिए. सो टुडे जब आप ये, हम लोग ग्रेटिट्यूड चैलेंज में यही करना चाहते हैं, फील ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, फील ग्रेटफुल कि आपके इतने सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, आपके सिस्टम टिश्यू एक साथ काम कर रहे आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी इतने सारे वाइब्रेशंस, इमोशंस सारे वर्क कर रहे हैं टू कीप यू हेल्दी. तो जब आपको ये कनेक्शन समझा है आपके माइंड एंड बॉडी का, तो जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप थैंक्स गिविंग करते हो अपने बॉडी को, तो इनडायरेक्टली आप एक डीपर लेवल की हीलिंग कर रहे हो खुद के लिए. सो टुडे इज द डे टू फील ग्रेटफुल फॉर योर हेल्दी बॉडी. चैलेंज फोर में आपको करना क्या है, आपको पहली बात तो एक मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड टू हेल्थ. ये मेडिटेशन आप कोई भी YouTube का एक मेडिटेशन कर सकते हो टूवर्ड्स योर हेल्थ, या तो फिर मैं आपको एक लिंक पोस्ट करूंगी जिसमें एक टाइम के बाद आपको वो प्ले करनी है. मैं टाइम डालूंगी जहां से आपको प्ले करनी है, तो उसमें आगे रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन है, तो आप वो मेडिटेशन कर सकते हो. या YouTube पे से कोई भी ग्रेटिट्यूड टू हेल्थ डालोगे तो बहुत सारी मेडिटेशन आएगी, उनमें से कोई भी एक मेडिटेशन कीजिए. ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको जो कोई भी अफर्मेशन पसंद आए तो आप उसको कहीं पे लिख लीजिए. प्रोबेबली अगर आप चाहते हो तो आप उसको डोर के पीछे आपके कबर्ड में लिख के रखिए, ताकि जब भी आप उसको देखो आप बार बार अपनी हेल्थ की तरफ ग्रैटिट्यूड फील करो. सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट बनाना है, चार्ट जिसमें कि एक तो आप 21 रोज बनाओ, 1, 2, 3, 4 उसके सामने लिखो, या 21 बॉक्सेस का चार्ट बनाओ. अभी आपको उसमें क्या करना है, आपको उस चार्ट के ऊपर एक हेडिंग देना है कि आई एम ग्रेटफुल टू माई हेल्थी बॉडी माइंड एंड सोल, and today I am celebrating it by gifting dash to it. अभी वो dash आपके 21 days की जो boxes है उसमें आप कुछ ना कुछ चीजें एक तो आज fill करो, या जैसे ही सुबह उठ के आपको ये paste क्या करना है, आपको mirror के पास paste करना है. तो जब भी आप उठ के mirror में देखते हो तो आपको ये सारा दिखेगा. तो आप कुछ ना कुछ एक छोटी चीज कीजिए to celebrate, या एक gift दीजिए अपनी healthy body, mind and soul को. तो आपको ये mirror के पास paste करना है, और आपको ये 21 days में भले ही आज आप वो खाली इमेज अपनी ग्रुप में शेयर कीजिए, बट आप वो चार्ट को पेस्ट जरूर कीजिए. क्योंकि वो चार्ट में भले आप आज कुछ नहीं लिखो, बट जब आप उसको देखो वो पर्टिकुलर डे पे, अगर आपको कुछ थॉट आता है तो वो चीज करके आप अपनी हेल्दी बॉडी या बॉडी को कुछ गिफ्ट दीजिए. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड इज, मैं आप चाहती हूँ कि जैसे हमें आज आप अपनी बॉडी को क्या गिफ्ट करोगे. सो जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम, अगर आपने देखा होगा आउटडोर गेम में हमारा अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा माइंड काम कर रहा है. सेकेंडली हमारी फिजिक काम करती है क्योंकि हम लोग मूव करते हैं, और हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, हम लोग कुछ टास्क को एनर्जेटिकली करते हैं. तो हमारी माइंड, बॉडी और एनर्जी तीनों रोल प्ले करती है अगर हम लोग कोई चीज खेलते हैं तो. तो मैं चाहती हूँ कि थर्ड पार्ट हमारे टास्क का ये है कि आप आउटडोर गेम खेलिए, भले कोई छोटे बच्चे आपके कॉलोनी में है, आपके घर में, उनके साथ या आपके पेट्स के साथ, बट डू प्ले एन आउटडोर गेम. और वो गेम खेलते हुए आपका एक पिक्चर निकालिए, उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए, और आपके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए. सो फर्स्ट वॉज डूइंग मेडिटेशन, आपने जो मेडिटेशन किया वो पोस्टर में भी आप फोटो क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो. सेकेंडली आपको फोटो क्लिक करना है चार्ट का जो आप 21 डेज का बनाओगे, उसके ऊपर ये हेडिंग लिखना है. एंड थर्डली आप बच्चों के साथ या पेट के साथ खेलते हुए आपके फोटोग्राफ को पोस्ट करोगे. तो आपको तीन फोटोग्राफ विथ योर एक्सपीरियंस हमारे फेसबुक कम्युनिटी पेज पे शेयर करना है. डू विजिट दैट कम्युनिटी पेज, आप देखिए लोगों ने कितनी सारी शेयरिंग की है, कितने अलग अलग टास्क किए हैं. आप अपना भी चीजें शेयरिंग कीजिए, आपको वो सारी चीजें जो ये हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज का इसेंस ही वही है कि जब आप ये चीजें या टास्क करते हो तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. सो जस्ट लर्निंग में कोई मजा नहीं है, वो एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा मजा है. तो जैसे मैंने आपको बोला, फर्स्ट तो मेडिटेशन, सेकंड वो आप चार्ट बनाओगे जिसमें आप ये एक अफर्मेशन लिख के, आपको रोज रियलाइज होगा कि आप किस चीज को गिफ्ट करके सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी हेल्थ की तरफ. तो जो भी वो पॉइंट पे आपको रियलाइज होगा वो 21 डेज, यानी आपको अगले 21 दिन तक आपके बॉडी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है. अभी 21 डेज क्यों, क्योंकि कोई भी टास्क अगर आप 21 डेज करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है. तो इसीलिए आपको ये 21 डेज खुद से करना है. जब भी आप मिरर में देखोगे तभी आपको ये चार्ट दिखाई देगा, राइट समथिंग कि आज का आप क्या करने वाले हो कि आप अपनी बॉडी को गिफ्ट दे रहे हो. अभी वो सिंपल चीज ऐसी भी हो सकती है कि आप कुछ एक्सरसाइज करो, ठीक
ठीक है। या तो फिर आप अगर अपने फूड के लिए, जैसे आपने कल देखा हम लोगों ने जो टास्क किया ग्रेटिट्यूड टू फूड एंड वाटर, आप ग्रेटिट्यूड भी फील करते हो फूड की तरफ, तो इनडायरेक्टली दैट फूड बिकम मेडिसिन फॉर यू, राइट। सिमिलरली इज फीलिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वाटर, सिमिलरली इज रिसाइटिंग अफर्मेशन। अगर आप सिर्फ अपनी चेस्ट पे या हार्ट चक्र पे हाथ रख के अफर्मेशन भी रिसाइट करते हो और उनको फील करते हो ना, तो दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर हेल्थ। राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी जो भी आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है उनको जर्नलाइज करना यानी लिखना, कम से कम 3-5 अगर आप ये भी रोज करते हो तो दिस इज इनडायरेक्टली अ गिफ्ट टू योर हेल्थ। तो वो जो 21 डेज है उसमें आपने अलग अलग चीजें करनी है जो आप अपनी हेल्थ की तरफ गिफ्ट दे रहे हो, और 21 डेज पूरे होने के बाद भी आपको एक पिक्चर उसका क्लिक करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है 21 डेज में। आपको आज भी पेस्ट करना है और 21 डेज के बाद भी पेस्ट करना है। So this is your challenge 4, gratitude towards health. I hope कि आपको ये challenge पसंद आएगा और आप बाकी challenges की तरह इसको भी enjoy करके इसकी भी photographs अपनी community page पे share करूंगे और I love to watch them. So thank you. That's all from my side. I'm Dr. Shweta Amit Bhandari and I'm happy to learn, share and grow with you. Thank you so much for being the part of this 11 days gratitude challenge. Thank you so much. Thank you.